दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रोड्यूसर और मेकर एकता कपूर ने टीवी पर कई सारे सीरियल प्रसारित किए हैं, जैसे कि कुंडली भाग्य नागिन, बड़े अच्छे लगते हैं जैसे कई सीरियल दिए हैं और इनके सभी सीरियल सुपरहिट होते हैं। साथ ही इनके सभी सीरियल की टीआरपी भी काफी अच्छी आती है। पर एकता कपूर का एक ऐसा सीरियल पर्दे पर देखने को मिला है जिसकी टीआरपी ना के बराबर आई है और इस सीरियल से एकता कपूर को काफी निराशा भी हुई है, क्योंकि इनका ये सीरियल एक ही महीने में ऑफ एयर हो रहा है। पर आखिरकार इनका वो सीरियल कौन सा है जो कि एक महीने में बंद हो रहा है, चलिए आपको भी उस सीरियल के बारे में बताते हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एकता कपूर का हर एक सीरियल सुपरहिट जाता है, पर एकता कपूर का हाल ही में कलर्स टीवी पर प्रसारित हुआ सीरियल मौलकी 2 इनके लिए निराशा लेकर आई है, जहां इस सीरियल में विधि यादव और अभिनेता आशीष कपूर नजर आ रहे हैं। हालांकि सीरियल में दोनों का किरदार काफी अच्छा है, पर इसके बावजूद भी सीरियल की रेटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है। और इतना ही नहीं, सीरियल की टीआरपी तो एवरेज ही नजर आ रही थी। इसी वजह से सीरियल के मेकर्स और चैनल वाले काफी परेशान हो गए और इस सीरियल को बंद करने का फैसला ले रहे हैं। जी हाँ, इस सीरियल का पहला पार्ट तो लोगों को खूब पसंद आया, पर इस सीरियल के दूसरे सीजन को लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया और इसी वजह से मौलकी सीरियल ना तो मेकर्स के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है और ना ही चैनल के लिए। और अब इसी बीच सीरियल की लीड एक्ट्रेस विधि यादव ने सीरियल को बंद होने की खबरों पर मुहर लगाई है। बता दें कि उन्होंने ई टाइम्स से बातचीत करते हुए विधि यादव ने बताया कि हमने शो की शूटिंग पूरी कर ली है और अब ये बहुत ही निराशाजनक है कि सीरियल बंद हो रहा है। हालांकि हमारे पास बहुत सारी योजनाएं थी और दर्शकों को दिखाने के लिए बहुत कुछ रखा हुआ था, लेकिन ये चैनल का फैसला है। तो बता दें कि सीरियल के अभी कुछ ही एपिसोड आए थे और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ये सीरियल इतने कम वक्त में खत्म हो जाएगा। खबरें ये भी आ रही है कि मेकर सीरियल के लास्ट एपिसोड को हैप्पी मोड पर खत्म करेंगे, पर अब देखना ये होगा कि शो के लास्ट एपिसोड को कब दिखाया जाएगा और सीरियल को कौन सा सीरियल रिप्लेस करेगा। वेल दोस्तों, क्या इतनी जल्दी इस सीरियल को खत्म करने का फैसला मेकर्स का सही है या गलत, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।